और ये राजधानी पटना में गांधी मैदान में लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉयलेट में प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। यहाँ जब आप पैसा डालेंगे तो ये गेट खुलेगा, और जब ये गेट खुलेगा तो यहाँ एक इंडिकेटर है, ये रेड हो जाएगा। ये रेड हो जाएगा तो जो सामने वाले लोग हैं उनको समझ में आया कि ये इंगेज है, इसमें कोई ना कोई जरूर है। तो जब ये गेट खुलेगा उसके बाद जब आप अपनी जरूरत के लिए बैठेंगे तो बैठने के बाद जो पहला समय है वो 3 मिनट का है। मैं हूं सीमा, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। खबरों के साथ हम उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, और राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आप जानते ही होंगे, लेकिन एक नई चीज़ की यहाँ शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के बारे में विस्तृत जानकारी हम अपने सहयोगी युवराज के साथ भी देंगे। युवराज जी, एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी ये राजधानी पटना में ई टॉयलेट के माध्यम से। हालांकि टॉयलेट को लेकर के ऐसी धारणा बनी रहती है कि गंदगी फैला दी जाती है, और जो सरकारी टॉयलेट की बात होती है तो लोग बाहर से ही अपनी जरूरत पूरी करके निकल जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि नई शुरुआत हो रही है पटना में और इस तरह का टॉयलेट लग रहा है जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे ही आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में आधुनिकीकरण के कारण जो बदलाव आ रहा है वो तो देखने वाली बात है, मगर राजधानी पटना में वो भी गांधी मैदान के पास इस ई टॉयलेट को बनाना कितना महत्वपूर्ण था वो पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी का जो गांधी मैदान है वो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, और जब ये ऐसी टॉयलेट्स की सुविधा गांधी मैदान में नहीं हुआ करती थी तो लोग गांधी मैदान के आसपास ही मल मूत्र सबको विसर्जित कर देते थे, और कई तरीके से गांधी मैदान में जितनी गंदगी थी वो जनता से बार बार रूबरू हम लोगों को होना पड़ता था। मगर अब राजधानी पटना में ऐसी टॉयलेट्स बनना, वो भी बताया जा रहा है कि इसमें 2 रुपये का सिक्का डाला जाएगा और उसके बाद लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें एक बार में एक इंसान की जाने की अनुमति होगी, मगर जिस तरीके से जो ऐसा निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो कवायद थी कि पटना को भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में लाना है, तो अब ये जो आगे का कदम उठाया गया है वो बेहद ही सराहनीय है। अब देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि आखिर राजधानी पटना में इस टॉयलेट की शुरुआत कब से होती है, क्योंकि फिलहाल अभी इस टॉयलेट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, लगातार लगाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि राजधानी पटना को अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रेस में और आगे बढ़ाने के लिए एक सराहनीय कदम है। सीमा जी, युवराज जी, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें क्या क्या सहूलत मिलेगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2018 में केरल के एक गांव से हुई, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको फिर बढ़ाया गया, और ये राजधानी पटना में गांधी मैदान में लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉयलेट में प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। आप अगर यहाँ खड़े होते हैं तो जो सामने के लोग हैं वो नहीं आपको देख पाएंगे। आमतौर से जो टॉयलेट होता था उसमें खुली जगह होती थी, लोग लाइन लगाए खड़े होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेसी का ख्याल इसमें रखा गया है। एक यहाँ पर इस तरह से जो है वो टीम के गेट जैसा बनाया गया है, एक अवरोधक के तौर पे से रखा जाए कि लोग जो भी इसे इस्तेमाल करेंगे उनका चेहरा ना, हाँ, वो दिखे नहीं, अपनी जरूरत के लिए यहाँ खड़े होंगे। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ तो खैर आप पैसा डालेंगे 2 रुपया, यहाँ डालने के बाद ये गेट ओपन होगा। अच्छा, जब आप मुझसे इस बात को शेयर कर रहे थे कि ऐसे टॉयलेट्स बन रहे हैं, तो आपने मुझे बताया था कि कुछ समय पाबंद भी है इसमें, आखिर वो समय के बारे में क्या है? वही बताना चाह रहे हैं हम आपको, अपने दर्शकों को, कि यहाँ जब आप पैसा डालेंगे तो ये गेट खुलेगा, और जब ये गेट खुलेगा तो यहाँ एक इंडिकेटर है, ये रेड हो जाएगा। ये रेड हो जाएगा तो जो सामने वाले लोग हैं उनको समझ में आया कि ये इंगेज है, इसमें कोई ना कोई जरूर है। तो जब ये गेट खुलेगा उसके बाद जब आप अपनी जरूरत के लिए बैठेंगे तो बैठने के बाद जो पहला समय है वो 3 मिनट का है, 2 रुपये में 3 मिनट का अधिकतम समय है, और 3 मिनट के बाद वो पानी फ्लश हो जाएगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। उसके बाद फिर एक समय निर्धारित हो जाता है, उसमें फिर वो समय मिलेगा, मतलब अधिकतम 4 मिनट का समय मिलेगा, 4 मिनट के बाद वो फ्लश होगा और फिर आपको यहाँ से खाली कर देना है। तो आप जो कह रहे थे कि 2 रुपये में युवराज जी की इतना समय मिलेगा, हालांकि आमतौर से जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल लेके जाते हैं टॉयलेट में, तो उनके लिए थोड़ा सा एक नए एक्सपीरियंस होने वाली है, क्योंकि 2 रुपये में ही आपको 7 मिनट का एक वक्त मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गंदगी की बात आती है पटना में, कि आखिर पटना राजधानी है, मगर अगर सूचनांक देखा जाए तो पटना में सबसे ज़्यादा गंदगी बताई जाती है। अगर सबसे दूषित प्रदूषित राज्यों की बात करें तो उसमें पटना का भी नाम आता है, उस शहर की बात करूँ तो मैं, मगर जिस तरीके से इसको एक बनाया गया, इस ढांचे को बनाया गया है,
सिर्फ 2 रुपए में आप इस शौचालय का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी राजधानी पटना में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो कोशिशें, जो कवायद है, वो मोदी सरकार के जो पहले टर्म में थी कि स्वच्छ भारत अभियान, उसको देखते हुए भी ये सब कदम उठाए जा रही हैं। आपको बता दें कि शौचालय की बात अगर मैं कहूँ तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही अगर मैं कह दूं तो लगातार शौचालय बनाए जा रहे थे, मगर अब सार्वजनिक तौर पर जो ऐसे शौचालय का गठन किया जा रहा है वो बेसराहनीय है। एक बार और मैं शिवाब जी के पास जाऊंगा और मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर कितने जगहों पर ऐसे शौचालय को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये अभी पिछले साल जो है इसका टेंडर हुआ और ये 40 जगह बनाने का प्रावधान है, 40 जगह राजधानी पटना के अलग अलग जगहों पे जहां लोग आते हैं। हालांकि ये राजनीति का क्षेत्र है, जहां हम लोग खड़े हैं यहां बड़ी बड़ी रैलियां होती है बड़ी पार्टियों की, यहां सामने ज्ञान भवन है, उधर कृष्ण हॉल है, तो यहां आबादी ज़्यादा आती है, इसलिए यहां पहले शुरू किया गया है। और आप बता रहे थे कि किसी और जगह अंटा घाट में शायद वहां भी शुरू है, 40 जगहों पे लगा रहा है और 4,30,00,000 का टेंडर है ये। अच्छा, पटनावासी उम्मीद कब तक कर सकते हैं कि इस टॉयलेट की शुरुआत? हमको लगता है कि इस महीने के बाद या इस महीने के अंत तक जो है, या मई के पहले वीक में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये बड़ी कामयाबी हमको लगता है नगर निगम की। इससे क्या होगा ना कि एक तो लोग डरेंगे, टेक्नोलॉजी में एक डर भी होता है कि भाई हमको इतने समय के अंदर चीजों को कर लेना है या गंदगी हमको खुद से साफ कर लेना है, फ्लश कर लेना है और हम निकल पाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा बिहार बढ़ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है और ये एक अच्छी चीज है, इससे लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस बार पटना नगर निगम ने सबसे ज्यादा पैसे सफाई और फिर प्रदूषण से लड़ने के लिए खर्च किए हैं। ये प्रावधान तब हुआ है जब पटना नगर निगम की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले और मेयर सीता साहू की अगुवाई में यह बताया गया था कि जो सबसे ज्यादा पैसे हैं, जो प्रावधान इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए और गंदगी से निपटने के लिए, वो इस बार की कैबिनेट की मीटिंग में ली गई है। तो देखने वाली बात ये जरूर होगी कि 40 जगहों पर ऐसे ई टॉयलेट्स बन रहे हैं, आखिर पटना वासियों को कितनी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि जो लोग रोड पर अपना समय बिताते हैं, जो लोग रात में रहते हैं सड़क पर, उन्हें ये आखिर 2 रुपए में उन्हें कितनी सुविधाएं मिलेंगी, ये जरूर बेहद ही सराहनीय कदम हम बार बार बोल रहे हैं, मगर जनता से भी ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरह का जो है, यहाँ गांधी मैदान में बिस्कुमान के ठीक सामने जो है ये 2 टॉयलेट इधर बन रहे हैं और जो दूसरे टॉयलेट का निर्माण हो रहा है वो कृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने हो रहा है। और भी जो राजधानी पटना का जो ये गांधी मैदान है उसके आसपास जो जगह है वहाँ इसका निर्माण हो रहा है। तो अगर आपको राजधानी पटना जब गांधी मैदान आ पाए तो न्यूज़ फॉर नेशन की ये रिपोर्ट ज़रूर देखें कि आप टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, 2 रुपया डालेंगे और ये ई टॉयलेट की शुरुआत होगी और ये नायाब तरीका है बिहार में राजधानी पटना में। और इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इंटरेस्टेड चीज़ें हैं जो जनता के फायदे के लिए हैं, आप न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से देखते रहते हैं और आगे भी हम इस तरह की जो नई स्टोरी होगी, नई चीज़ होगी, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, हम जरूर आपको दिखाएंगे। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।